बैक गाइस, आज के हमारे नए वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक्सरे पैक फॉर माइनक्राफ्ट 1.20। वैसे अभी तक आया नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा जो कि वर्क करेगा। तो गाइस देख सकते हो, ये है हमारा पहला एक्सरे पैक या एक्सरे एडवान देख सकते हो। इसमें आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको दोनों ही एक्सरे पैक के लिए अपनी वीडियो में जाके स्मूथ लाइटिंग को ऑफ करना पड़ेगा। देख सकते हो, आपको वीडियो में आके स्मूथ लाइटिंग को ऑफ कर देना पड़ेगा। ये देख सकते हो, इसको आपको ऑफ करना पड़ेगा, बाकी सेटिंग आप कुछ भी बदल सकते हो। सो गाइस, आपको इस एक्सरे को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए नाइट विजन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप नाइट विजन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पहले वीडियो बना के रखा, तो गाइस देख सकते हो हमको सब कुछ अच्छी तरीके से दिख रहा है। और ये देख सकते हो, ये सब ग्रेवल है, ग्रेवल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी ड्रिप स्टोन की तरह, और इसमें वाटर और लावा भी उसी तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको डायमंड ढूंढ के दिखा देता हूँ। देख सकते हो, हम अभी लॉस्ट केव में आ चुके हैं, और ये रहा वाटर। देख सकते हो, पानी तो नॉर्मली दिख रहा है, पर लावा आपको कुछ ड्रिप स्टोन की तरह दिखता है। देख सकते हो, नीचे रहा डायमंड। ये पैक हमारा नेदर में भी वर्क करता है, एंड में भी वर्क करता है। एंड में तो वैसे कोई भी फोर होता नहीं है, फिर भी ये एंड में भी वर्क करता है। ये था हमारा पहला एक्सरे पैक, जिसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। पर जो मैं आपको दूसरा एक्सरे पैक दिखाने वाला हूँ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ही कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे। तो चलो बढ़ते हमारे नेक्स्ट। तो गाइस, ये हमारा सेकंड एक्सरे पैक देख सकते हो, टेक्सचर पैक। सिर्फ आपको इसको टेक्सचर पैक में ही ऑन करना पड़ेगा, बिहेवियर में आपको कुछ भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हो, मेरे पास अभी एक भी बिहेवियर पैक नहीं है। आपको इसमें कस्टमाइजेशन के बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। देख सकते हो, इसमें भी आपको स्मूथ लाइटिंग को ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या आप इसको ऐसे डिसेबल कर सकते हो? अगर आपको सिर्फ नेदरराइट ढूंढना है, यानी कि एशियन डेब्रिस, तो आप इस पहले पे रखना पड़ेगा। सिर्फ डायमंड ढूंढना है तो सेकंड पे, और जैसे एमरल्ड के लिए थर्ड, गोल्ड के लिए फोर्थ, आयरन के लिए फिफ्थ। इस तरीके से आपको जो भी और चाहिए उसके हिसाब से इसको सेट कर देना है। अगर आपको लास्ट सेट करोगे, आपको सारे और देखने को मिल जाएंगे। मैं अब इस सिर्फ आपको डायमंड पे ही सेट करके दिखा देता हूँ। आपको सेट करने के बाद इसको इस पर टिप करने के बाद रिफ्रेश कर देना है। देख सकते हो, हम वर्ल्ड में आ चुके हैं, और मेरे को स्ट्रेंजली मैंने सिर्फ डायमंड पर सेट किया था, तब भी मेरे को डीप स्लेट के सहारे और देखने को मिल जा रहे हैं। इसके डायमंड तो मिल ही रहा है देखने को, उसके साथ साथ आयरन, गोल्ड और रेडस्टोन, लैपिस सब कुछ ही देखने को मिल रहा है। तो गाइस देख सकते हो, ये पैक भी हमारा वर्क कर रहा है। सो गाइस, इतना ही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो में अगले किसी दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हाँ, और एक बात, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं बोलता नहीं तब सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। और दोनों पैक की डाउनलोड लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी।